हाय एवरीवन वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले बिकॉज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एमएनएस बी नर्सिंग 2024 की जो मेरिट uh, लिस्ट आई है उसमें जिस जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू की डेट आ चुकी है तो उसका एडमिट कार्ड uh, आ चुका है नहीं आ चुका है एंड एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या लेकर जाना होगा अपने रिपोर्टिंग वाले दिन एंड उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के लिए आपके लिए कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने चाहिए तो उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको दूंगा और साथ ही हम टॉपिक पर भी बात करेंगे कि क्या कोई सेकंड लिस्ट यहाँ पर रिलीज होगी एमएनएस की जिसमें मतलब जो कैंडिडेट्स रह गए हैं जिनके लगता है कि मतलब यहाँ पर जो है एक बाउंड्री वाली रेंज पर मार्क्स है तो क्या उनको चांस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे ठीक है तो यह है कि आप जो है चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट जो है आपसे मिस ना हो यहाँ पर तो सबसे पहले देखो हम यही डिस्कस करते हैं कि क्या कोई सेकंड लिस्ट यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी और देखो मैंने एनालिसिस के बेसिस पर आपको बता दिया कि जो कट ऑफ तो यहाँ पर गई है वो फोर मार्क्स के आसपास गई है फोर भी हो सकती है फोर मेरे को लास्ट जो कैंडिडेट है वो मेरे को पता है मेरे पास उसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है क्योंकि उसका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आया है ठीक है मैंने बताया था कि भाई उससे ज्यादा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स उससे ज्यादा हैं जैसे 481 है 485 है लेकिन फिर भी अगर उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हुई है और फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप एक बार इंडियन आर्मी को मेल कर सकते हो अपने फॉर्म के रिगार्डिंग अगर आप चाहो तो ठीक है क्योंकि फोर सेवेंटी में आपको बता रहा हूं आ, मेरे आ, मतलब ग्रुप में ही जो है मेंटरशिप वाले ग्रुप में ही मेरा कैंडिडेट है एंड उसका जो नाम है वो जो रोल नंबर या रेफरेंस नंबर है वो में आ, मिला है ठीक है 2024 वाली में तो अब देखो सेकंड लिस्ट आएगी को देखते हुए तो देखो, आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो वो 2022 की लिस्ट है, course, hospital, Delhi, तो ये 2022 की लिस्ट है. अब दो अब बाईस में जो लिस्ट आई थी दो में भी सेम ऐसा ही हुआ था दो की मुझे लिस्ट मिल रही थी इसलिए मैंने रेफरेंस के लिए जो है 2022 वाली ले है तो इस वाले लिस्ट में आप देखोगे ये वाले पेज पर क्या लिखा हुआ है द अंडर मेंशन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी ओनली कॉल्ड एज पर रिक्वायरमेंट ठीक है तो क्या होता था कि अभी पिछले साल तक 2023 में भी सेम चीज हुई थी कि यह क्या करते थे कि पहले तो इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया कैंडिडेट उसके बाद एक लिस्ट ये ऐसी भी निकालते थे जिसमें लिखते थे कि ये वेटिंग लिस्ट है या ये वाली लिस्ट के जो कैंडिडेट है ये हम तभी बुलाएंगे जब हमें रिक्वायरमेंट होगी कहने का मतलब यह है कि इस लिस्ट से ऊपर वाली जो आपको लिस्ट दी गई है। उसमें देखोगे तो उसमें इन्होंने सब डेट्स वगैरह दे रखी हैं जैसे 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर कि जब रिक्वायरमेंट होगी तभी इन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मतलब लिस्ट में रखा जाता था रखा इसलिए जाता था कि मान लो जितने कैंडिडेट्स को हमने पहले शॉर्टलिस्ट किया है अगर इनमें से मेडिकली फिट कैंडिडेट्स या ऐसे कैंडिडेट्स हमें नहीं मिल पाए जो पूरा प्रोसेस अच्छे से क्लियर कर पाएंगे तब हम ये वाले कैंडिडेट्स को चांस देंगे जिनको हम वेटिंग लिस्ट में रख रहे हैं लेकिन इस बार का लिस्ट अगर आप देखोगे तो वहां पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि वेटिंग लिस्ट में ये वाले कैंडिडेट्स हैं या ये वाले रोल नंबर जो है उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया तो ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा है तो कोई भी सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस यहां पर मुझे नहीं लगते ठीक है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि नीट के रिजल्ट की वजह से जो भी मतलब केस वगैरह इतना चला ठीक है जो भी नीट में जो है मतलब स्कैम हुआ जो भी सारी चीजें हुई तो उसको देखते हुए ऑलरेडी सारा प्रोसेस जो है लेट हो चुका है तो इन्होंने एक ही फाइनल लिस्ट निकाल दी है एंड उसी में से ये शॉर्टलिस्टिंग कर लेंगे ठीक है क्योंकि अगर इनको और कैंडिडेट चाहिए होते अगर ये सेकंड लिस्ट की बात करते तो ये वेटिंग लिस्ट साथ में ऐड करके देते मतलब ये है कि उन उन कैंडिडेट्स को स्टैंड बाय पे रखा जाता कि भाई हमारे जितने ये बच्चे हमने जिनको डेट दे दी है जब ये अपना इंटरव्यू आकर दे जाएंगे और हमें पता चलेगा कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाई है इतने बच्चों से तो हम वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को बुलाएंगे तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया तो 99 परसेंट चांसेस यही है कि कोई भी सेकेंड लिस्ट यहां पर नहीं आएंगे ठीक है अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर एडमिट कार्ड की तो देखो एडमिट कार्ड उन कैंडिडेट्स का आ चुका है जिनका मेरिट लिस्ट में रेफरेंस नंबर था अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई जिसके 477 से ज्यादा है अगर उसको अपना रोल नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं भी दिखाई दे रहा है लेकिन वे वो जो है फिर भी एक बार लॉग इन करके अपना एडमिट कार्ड जरूर चेक कर ले ठीक है अब ये भी हो सकता है कि जिनकी डेट्स बाद में है ठीक है जिनकी डेट बाद में है क्या पता उनका एडमिट कार्ड अभी ना आया हो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका 10 तारीख का 12 सितंबर का अगर किसी का एडमिट कार्ड आया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि सबको ये पता चल जाएगा कि बाद वालों का एडमिट कार्ड आ गया है या नहीं आया लेकिन यह है कि अभी जिनका हाल ही में दो तीन सप्टेम्बर तक जिसका भी है उनका सबका एडमिट कार्ड आ चुका है तो लॉग करके आप डाउनलोड जरूर कर लें तो तब आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और बाकी जिनका रेफरेंस नंबर उनको नहीं भी मिल पाए वो भी एक बार लॉग करके चेक कर लें अगर उनके फोर से ज्यादा मार्क्स है क्या पता रेफरेंस नंबर आपको नहीं मिल पा रहा हो किसी वजह से लेकिन आप जो है सिलेक्टेड हो और आपका एडमिट कार्ड आया हो तो लॉग करके आप एक बार जरूर चेक कर लें ठीक है और अब यहां पर इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं कि भाई एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या, -क्या लेके जाना है तो देखो सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है और उसकी तीन कॉपीज लेके जानी है तीन की बजाय आप पांच ले जाना ठीक है एक्स्ट्रा ही रखना एक एक दो दो कॉपी सबकी एक्स्ट्रा रखना मान लो वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाती तो आपके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए क्योंकि देखो वहां पर पहली चीज तो यह है कि कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी होती है तो वो गेट के बाहर से ही आपको घर वापसी का रास्ता दिखा देंगे ठीक है क्योंकि यहां पर ये जो नेग्लिजेंस है बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा क्योंकि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए उनको आपने केयरफुली पढ़ना है और सब चीजों को अच्छे से फॉलो करना है ठीक है तो देखो इंस्ट्रक्शन में यह है कि भाई पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकालोगे उसकी तीन कॉपीज अब ये जो तीन कॉपीज होंगी मेरे हिसाब से मतलब जब एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकालोगे तो चार या पांच प्रिंट आउट उसके निकाल लेना कलर्ड निकालना सारे के सारे ऐसा नहीं है कि एक कलर निकाल ली बाकी फोटो कॉपी करा ली ठीक है सारे कलर्ड निकालना ठीक है तो मान लो आपने चार कॉपीज निकाल ली अब उसमें से तीन जो है उसमें क्या है जहां पर आपका फोटो लगा हुआ है उस फोटो के राइट हैंड साइड में ही एक जगह इन्होंने खाली छोड़ी है और उस पर लिखा है कि आपको अपना वही सेम फोटोग्राफ यहां पर पेस्ट करना है जो आपके एडमिट कार्ड में है। तो एडमिट कार्ड में जो फोटो आपका लगकर आया है प्रिंट आउट में वही सेम फोटो पासपोर्ट साइज फोटो आपने कम से कम 20-25 निकाल के अपने पास रख लेने है वो आगे भी आपको काम आएंगे तो 20-25 निकाल लेना उसमें से एक एक जो है जो एडमिट कार्ड आपके पास हैं तीन एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जानी है तो तीनों के ऊपर जो है एक एक फोटोग्राफ अपना वही सेम चिपका दोगे एंड उसको पेस्ट करने के बाद जो है आपने उसके ऊपर सिग्नेचर करना है सेल्फ अटेस्ट करना है उसको सेल्फ अटेस्ट कैसे करोगे सिग्नेचर कैसे करोगे सिग्नेचर ऐसे करना है कि आधा जो सिग्नेचर है वो आपका व्हाइट पेपर जो होगा एडमिट कार्ड का वो उसके ऊपर रहेगा और आधा जो सिग्नेचर होगा वो आपका फोटो के ऊपर आएगा और डायगोनली आपको करना है मतलब सिग्नेचर सिग्नेचर ऐसे करना है है कि आधा जो है वो आपका एडमिट कार्ड पर है और आधा, आधा आपका फोटो पर है इस तरीके से आपको साइन करना है फोटो पेस्ट करके ठीक है तो तीन आपकी ये वाली कॉपी हो गई एक दो एक्स्ट्रा रख लेना मैंने आपको बता दिया और पंद्रह बीस फोटोग्राफ और वो रख लेना जो आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है तो ये एडिशनल चीजें जो आपको रखनी चाहिए ठीक है और उसके बाद देखो दूसरी चीज है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स टू बी प्रोड्यूस ओरिजिनल अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट तो ये सारे जितने भी नीचे के डॉक्यूमेंट लिखे हैं इनका ओरिजिनल आपको लेके जाना है और एक एक कॉपी लेके जानी है सबकी अब एक एक कॉपी यहां लिखा तो आप दो दो करवा लेना ठीक है तो क्या क्या लेके जाना है एक तो क्लास टेंथ की मार्कशीट हो गई क्लास टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया अब बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट में होता है तो अगर ऐसा होगा तो आप अपनी मार्कशीट के ऊपर चेक कर लेना कि क्या मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट ऐसा करके कुछ लिखा है तो इसका तो मतलब है कि मार्कशीट भी वही है पासिंग सर्टिफिकेट भी वही है अगर नहीं लिखा है इसका मतलब मार्कशीट आपके बोर्ड में अलग है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग है तो दोनों आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे टेंथ और ट्वेल्थ दोनों क्लासेस के ठीक है टेंथ और ट्वेल्थ दोनों क्लासेस के आपको लेके जाने होंगे और उसके अलावा आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी हो गया माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया ठीक है ये भी आपको स्कूल से मिलता है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है अगर आपके पास स्कूल वाला तो वो भी ले जाना वैसे इन्होंने मांगा नहीं है ठीक है और उसके अलावा नीट यूजी का स्कोर कार्ड तो स्कोर कार्ड वही चलेगा जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला है वो स्कोर कार्ड ले जाना है ठीक है और उसके बाद इन्होंने लिखा है गैप सर्टिफिकेट तो देखो गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उनको चाहिए जिनका टेंथ और ट्वेल्थ के बीच में दो साल से ज्यादा का गैप है यानी कि मान लो आपने दो में टेंथ करी सपोज 2015 में आपने टेंथ करी लेकिन आपका ट्वेल्थ 2018 में होता है तो 2015 से लेकर 18 तक के बीच में तीन साल का गैप हो गया जनरली होना क्या चाहिए कि 2015 में आपका टेंथ हुआ तो 2017 में आपका ट्वेल्थ होना चाहिए क्योंकि इलेवंथ आपने 2016 में करी होगी तो और टेंथ और ट्वेल्थ के बीच में अगर किसी का गैप है दो साल से ज्यादा का तो उसे गैप सर्टिफिकेट चाहिए अदरवाइज नहीं चाहिए ठीक है तो ये वो वाले गैप सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे कि अगर आपने 2022 में ट्वेल्थ किया है उसके बाद आप ड्रॉप ले रहे हो तो दो साल का गैप सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा अगर आप वो बनवा भी लेते हो तो भी अच्छा रहेगा बनवा कर ले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इन्होंने मांगा नहीं है ठीक है और इसके बाद इन्होंने एक और डॉक्यूमेंट मांगा है प्रूफ ऑफ हैविंग पास एज रेगुलर स्टूडेंट तो इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये कैसे बनाना है तो देखो ये जितने भी मैंने अभी डॉक्यूमेंट बताए इनकी दो दो कॉपी करवा लेना दो 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 फोटो करवा लेना और जिसमें से एक एक सेट आपको क्या करना सेल्फ अटेस्ट करना है सेल्फ

आपको क्या करना होगा आपको अपने प्रिंसिपल सर के पास जाना है स्कूल के प्रिंसिपल के पास जहां पर, जहां पर से आपने अपना क्लास ट्वेल्थ कंप्लीट है अब आप क्या करोगे एक अपना डॉक्यूमेंट टाइप करवा लोगे मैं उसका फॉर्मेट आपको बता दे रहा हूं तो सबसे पहले उसमें ऊपर की तरफ बीच में सेंटर में जो है टू होम इट मे कंसर्न ये एक लाइन आ जाएगी बोल्ड ले लेटर में टू होम इट मे कंसर्न ठीक है एंड उसके बाद नीचे ये वाला जो पैराग्राफ लिखा है दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर मिस फिर उसके बाद स्पेस एडमिशन नंबर ये हटा देना एडमिशन नंबर नहीं लिखना है ठीक है इसको काट देना ये जब आप टाइप करवाओगे अपना डॉक्यूमेंट या खुद टाइप करोगे प्रिंट आउट निकालोगे उसका तो ये एडमिशन नंबर वाली लाइन हटा देना उसके बाद मिस या मिस के बाद स्पेस आ जाएगा फिर डेट ऑफ बर्थ स्पेस सन या डॉटर ऑफ स्पेस वॉज अ बोनाफाइड बोनाफाइड के बाद रेगुलर और लिख देना वॉज अ बोनाफाइड रेगुलर स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल फिर स्पेस आ जाएगा उसके बाद एंड हैज कंप्लीटेड हिज या हर क्लास ट्वेल्थ इन दी अकेडमिक ईयर या ड्यूरिंग द अकेडमिक ईयर इस तरीके की लाइन आ जाएगी ठीक है ऑफ आवर स्कूल के बाद स्पेस एंड उसके बाद क्या आएगा एंड हैज कंप्लीटेड हिज या हर क्लास ट्वेल्थ ड्यूरिंग द एकेडमिक पूरा लाइन आ जाएगा उसके बाद नीचे वैसी सेम ये सारी चीजें वैसी आ जाएंगे द अबाव डिटेल्स आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज उसके बाद नीचे प्रिंसिपल सिग्नेचर स्कूल डेट स्टैम्प ये सब कुछ आ जाएगा अब सबसे पहले आपको दिस इज टू सर्टिफाई दैट में आप सभी मिस हैं ठीक है क्योंकि सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एम एन एस तो यहां पर मिस्टर वाला उसके ऊपर एक लाइन आप डाल दोगे पेन से उसको कट कर दोगे और मिस के आगे आप अपना पूरा नाम लिख दोगे ठीक है उसके बाद ये एडमिशन नंबर मैंने बता दिया ये नहीं लिखवाना है अपने फॉर्मेट में उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी उसके बाद सन सन को आप कट कर दोगे फिर डॉटर ऑफ आ जाएगा डॉटर ऑफ मतलब आपके फादर का नेम आ जाएगा यहां पर तो ये देखो स्पेस थोड़ा सा बड़ा करवा लेना ताकि फादर नेम पूरा आ पाए यहां पर वॉज आर रेगुलर बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल तो यहां पर स्कूल का जो क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा स्कूल तो का क्या आ जाएगा यहां पर नाम आ जाएगा ड्यू फिर उसके बाद एंड हैज कंप्लीटेड हिज या हर तो हिज हटा दोगे उसमें से हर क्लास ट्वेल्थ ड्यूरिंग द अकेडमिक ईयर तो कौन सा अकेडमिक ईयर में किया है उसमें यहां पर आ जाएगा जैसे 2022-23 में किया है 2023-24 में किया है या 2021-22 में किया है तो वो आ जाएगा उसके बाद यहां पर नीचे प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर आ जाएंगे स्कूल का नाम आ जाएगा यहां पर डेट वो डाल देंगे और स्टैंप लगा देंगे स्कूल का तो ये इन्फॉर्मेशन ऊपर वाली आप भर देना नीचे वाली जो है आपके प्रिंसिपल सर भर देंगे तो ऐसे करके ये आप जो है सर्टिफिकेट अपना बना लेंगे ठीक है तो ये सर्टिफिकेट जो है वो आपको बना लेना यहाँ पर आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी ठीक है तो डॉक्यूमेंट्स का सब कुछ क्लियर हो गया एंड उसके बाद देखो अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है जो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए जैसे कि आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपका डेली रूटीन आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपके अचीवमेंट अगर कोई है अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कराओ करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ अच्छा कराओ ठीक है या जो ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं उनके सर्टिफिकेट्स हैं तो जो भी सर्टिफिकेट है वो आप जरूर लेके जाना आपको एमएनएस ज्वाइन करना है ठीक है अगर आप इसमें ज्वाइन नहीं होते तो आपका प्लान बी क्या है इसके बाद क्या करोगे ठीक है आपको इंडियन आर्मी इंडियन एयफोर्स इंडियन नेवी उनकी रैंक वगैरह पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आपकी जो कमिशनिंग होगी वो या लिफ्टिनेंटिनेंट की रैंक पर होगी उसके बाद प्रमोशन किस रैंक पर होता है ये सब पता होना चाहिए तो ठीक है इनके जो भी स्टैब्लिशमेंट ईयर है मतलब इंडियन आर्मी कब बनी थी इंडियन नेवी कब बनी थी इंडियन एयरफोर्स कब बनी थी उनके चीफ कौन है ठीक है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है ठीक है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है ये सब पता होना चाहिए एमएनएस की हिस्ट्री पता होनी चाहिए एमएनएस कब से स्टार्ट हुआ एमएनएस में ऐसे कौन से लोग हैं जो हाईएस्ट पोजीशन पर हैं अभी ठीक है एमएनएस के कॉलेजेस कहाँ कहाँ पर हैं टोटल कितने कॉलेज उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं आपकी क्या प्रेफरेंसेस रहेंगी आपके से एमएनएस कॉलेज को पहले नंबर पे रखोगे ठीक है अगर आप एक आर्मी ब्राट हो मतलब कि आपके पेरेंट्स वगैरह आर्मी में थे या हैं तो आपको अपने पेरेंट्स के रेजिमेंट वगैरह के बारे में पोस्टिंग के बारे में सर्विस के बारे में ये सब कुछ पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद ये है मैंशन ऑफ योर मीनिंग ऑफ योर नेम एंड सिग्निफिकेंस तो आपका जो भी नाम है उसका मतलब क्या होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है ठीक है और ऐसी तीन क्वालिटीज बताओ जो आपको एमएनएस नर्सिंग ऑफिसर की पोजिशन के लिए आपको मतलब कैपेबल बनाती है ठीक है टेल मी समथिंग अबाउट योर बर्थ प्लेस अपने बर्थ प्लेस के बारे में बताओ होम टाउन योर योर पेरेंट्स प्रोफेशन स्कूल योर बेस्ट फ्रेंड योर और क्लासमेट्स योर टीचर्स एक्सेट्रा ठीक है आपने नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करा पीसी और एस कमीशन में क्या डिफरेंस है पीसी का मतलब होता है परमानेंट कमीशन जो आपका सिक्सटी ईयर्स की एज तक होता है एस मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन आपका फोर्टीन ईयर्स की सर्विस के लिए होता है रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्मी ठीक है मेजर ऑपरेशन बाई इंडियन आर्मी फीमेल इंडियन आर्मी सोल्जर्स इन न्यूज रिसेंटली तो न्यूज में अभी कोई ऐसी फीमेल है जो कि इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं या कोई ऑफिसर है तो अगर वो न्यूज में रही थी तो कौन है उनके बारे में पढ़ लेना ठीक है आपका मोटिवेशन क्या है को ज्वाइन करने का आप फेलियर के साथ कैसे डील करते हो एमएलए या एमपी आपके रीजन के कौन कौन है उनकी पार्टीज क्या है ठीक है अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स है जैसे कि बांग्लादेश में क्राइसिस जो चल रहा है आपके व्यूज क्या है कोलकाता रेप केस के ऊपर ओलंपिक्स दो आपको पता होना चाहिए जैसे उसमें पढ़ लेना किस किस को इंडिया से मेडल मिला किस स्पोर्ट इवेंट में मिला सब कुछ पढ़ लेना ठीक है उसके बाद रीसेंट स्पेस मिशन बाय इसरो इसरो ने जो अभी हाल ही में स्पेस मिशन करे जैसे चंद्रयान टू चंद्रयान थ्री हो गया आदित्य एलवन हो गया इन सबके बारे में पढ़ लेना यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा ठीक है उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है अभी ठीक है उत्तराखंड पहली स्टेट है जैसे इसको लागू करा है यूसीसी को उसके बारे में पढ़ लेना सी क्या है ठीक है ओपीएस क्या है एनपीएस uh, क्या है यूपीएस क्या है ये पेंशन स्कीम है सारी ठीक है तो अभी इसका बिल हाल ही में पास हुआ है अभी तीन चार दिन पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम ठीक है उससे पहले एनपीएस था नेशनल पेंशन सिस्टम और उससे पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम

ठीक है अभी हाल ही में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं इंडिया में उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना तो ये टॉपिक्स की अगर आपको लिस्ट चाहिए तो ये टॉपिक मैंने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा उसको जाके ज्वाइन कर लो और वहां से आप ये जो है सेव कर लेना अपने पास पीडीएफ जो है मतलब इसके मतलब इसको जेपीजी फॉर्मेट में मैंने फोटोज इसके डाल दिए स्क्रीन शॉट डाल दिए तो आप वहां से जाके इन टॉपिक्स को ले सकते हो और एक करके पढ़ सकते हो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू प्रोसेस में आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है आ, ठीक है तो आप इस वीडियो को यही प्रेट करते हैं एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड आइकन को प्रेस कर लो ओके सो थैंक यू एंड डे